बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम अज़हर रहमान है जी। मैं ग्लोबल क्रॉप सेंसर में एरिया मैनेजर लोधा काम कर रहा हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ चौधरी फयाज साहब के फार्म पे। यहाँ मैंने जी मानक G8 का ट्रायल लगवाया था, तो ये दो दफा एप्लीकेशन करवाई है जो है ना। यहाँ पे ये फसल है जी, धान की फसल है, हाइब्रिड राइस लगा हुआ है, ठीक है जी। इस पर मैंने जो है ना ट्रायल लगवाया था मानक G8 का। तो ये है जी मोहम्मद खालिद साहब, ये यहाँ के इंचार्ज हैं फार्म के। तो इनकी मौजूदगी में दोनों दफा ट्रायल लगवाया है। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ ये ट्रायल चेक कर, इसका रिजल्ट चेक करने के लिए मानक G8 का। अच्छा जी, अब ये खुद खालिद साहब ही बताएंगे कि उन्होंने क्या फर्क जो है महसूस किया। अच्छा खालिद साहब बताएं, आपका ये जो इस हाथ में है, ठीक है जी, पौधा इस पे आपने हमने मानक G8 करवाया था जी। जी सर, ठीक है जी। और ये जो पौधा है, ये इस पे जो है ना, ये आम जो लगा इस पे हमने मानक G8 का जो है ना स्प्रे नहीं हुआ है, ठीक है जी, आप चेक कर सकते। अच्छा जी, आप खुद बताएं अब, ठीक है जी, कि आपने क्या फर्क इसमें महसूस किया है, जहां मानक G8 हुआ है और जहां नहीं हुआ। इसमें हमने मैजिक 8 दिया हुआ है, जिसका रिजल्ट आ रहा है कि इसके रंगत भी अच्छी है, रंगत अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, ठीक है जी। जड़ें भी अच्छी हैं, ठीक है जी। हमने तोड़ने की कोशिश की है, पानी असल में थोड़ा सूखा हुआ था तो पूरे जड़ें नहीं आ सकी, लेकिन हमने देखा कि जड़ें इसकी फिर भी इसकी ज्यादा जड़ें हैं, मोटी हैं, फाइबर फ्रूट हैं, वो भी मौजूद हैं, ठीक है जी। और इनके लेंथ भी ज्यादा है, ठीक है जी। और ये जो है जड़ें, मतलब कि ये है सही, लेकिन इनकी देखें आप अगर चेक करें तो ये एक तो सेहतमंद नहीं है, बारीक है, ठीक है जी, और लंबी भी नहीं है, ठीक है जी। और आप पौधे की हाइट देखें, पौधे की हाइट भी इसके मुकाबले में अगर हम चेक करें, दोनों साल लगाए प्लीज, पौधे की हाइट भी कम है, रंगत में भी, अगर क्योंकि यहां अगर आपको महसूस ना भी हो तो रंगत अगर आप इसको चेक करें तो रंगत इसकी ज्यादा गहरी है, ज्यादा सरसब्ज है, ठीक है जी, और इसका थोड़ा सा मतलब कि उससे कम है, ठीक है जी। आप इससे मुतमिन हैं? जी बिल्कुल। आप बाकी तमाम एकड़ों पे आप इसे स्प्रे करेंगे? जी बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। बड़े बड़े बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।